Good evening to all of you. हेलो आर के विश्वकर्मा, नमस्ते. अक्षय, गुड इवनिंग. हेलो एकता, गुड इवनिंग. सरला, गुड इवनिंग. हेलो सुमित, गुड इवनिंग. बेटा एक बार मुझे कंफर्म कीजिए आप लोग, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ? इज एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड? क्या प्रॉपरली सब कुछ ठीक है मेरे साइड से? चलिए, ओके. चलिए, तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में. आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे. आज के इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को लेकर जो है वो बात करने वाले हैं. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वे इस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सुन लीजिए, और वह ये है कि वाई अन अकेडमी, क्योंकि यहाँ पर वाइडेस्ट चॉइस आपको मिलती है एजुकेटर्स की, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेस, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रेपरेशन, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेन्स. 2020 में 170+, 2021 में 178+ टॉपर्स जो थे वे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें AIR 3, 4 और 5 जो है वो शामिल हैं. अगर कोई आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं. भाई अभी अनअकैडमी पर जो है वो 20% का ऑफ चल रहा है यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन पे. आइकॉनिक और प्लस के 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के प्राइजेस आपके सामने दिए गए हैं. कितना आपको पे करना है, कितना आप सेव कर सकते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है. भाई कोड सभी याद रखेंगे, कोड है JGIAS10. इस कोड का इस्तेमाल कर कर आपको जो है वो अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय ऑफ जो है वो मिल जाएगा. सो सब्सक्राइब नाउ. भाई गेट स्टार्टेड 0% EMI टुडे. लोन भी अनअकैडमी पर जो है वो अवेलेबल है, जहां अप्रूवल 2 घंटे में, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स. यूपीएससी सीएसई बैचेस शुरू हो रहे हैं. ये बैचेस कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड बैच कोर्सेज हैं जीएस और सीसेट के लिए, यूपीएससी सीएसई 2023-2024 प्रेपरेशन के लिए. ये बैचेस 15 सितंबर से जो है वो शुरू हो रहे हैं. बायलिंगुअली और हिंदी में जो है ये बैचेस कवर कराए जाएंगे. 1 साल और 2 साल के ये जो है वो बैचेस हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट 20 GS बुक्स, एंड दीज बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट सुन लीजिए. भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कई बेनिफिट हैं, जिसमें लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस, एक्सेस टू डेली कंटेंट, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग, स्टडी बूस्टर सेशन, फिजिकल नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस. सो सब्सक्राइब नाउ. भाई अनअकैडमी द्वारा लॉन्च की गई है यूपीएससी सीएसई मेंस टेस्ट सीरीज 2023 के लिए. ये जो है ये है जस्ट एट ₹14,990. टेस्ट शुरू हो चुके हैं सितंबर 11 से. इसके कई बेनिफिट्स हैं, जिसमें 30+ टेस्ट आपको मिलेंगे, कस्टमाइज्ड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन मिलेगा, लाइव एनालिसिस सेशन मिलेगा, सुपीरियर मॉडल आंसर्स मिलेंगे. तो सब्सक्राइब नाउ. भाई यूपीएससी सीएसई सुपर कॉम्बैट अनअकैडमी लेकर आया है. ये सितंबर 18 को जो है वो होने वाला है, सुबह 11 बजे. यहाँ पर आप वेरियस प्राइजेस और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जो है वो जीत सकते हैं. साथ ही साथ विभिन्न स्कॉलरशिप भी जो है वो आप यहाँ पर जीत सकते हैं. सो एनरोल नाउ. भाई डाउट दरबार एन अकेडमी लेकर आया है आपके लिए, जहां पर सितंबर 13, 27, 14, 28, 15, 29,
वेरियस सब्जेक्ट्स के डाउट्स जो है वो क्लियर कराए जाएंगे, टाइमिंग आपके सामने है। तो भाई इस कोड को जो है वो स्कैन करना है, और इस क्यूआर कोड का स्कैन करके आप डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी अनअकैडमी लेकर आया है, जहां पर इन वेरियस एजुकेटर्स के द्वारा आपके ऑप्शनल कोर्सेज जो है वो कवर कराए जाएंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे कॉल करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। सो अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। चलिए बेटा, कल हमने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आपको डिटेल में जो था वह पढ़ाया था, ये बताया था न्यूज में क्यों है, न्यूट्रिनो के बारे में बताया था कि भाई न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो अंडरग्राउंड क्यों लोकेटेड की जा रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। इंडिया भी इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताया था, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड, ये प्रोजेक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है ये मैंने आपको बताया था। सिग्निफिकेंस बताया था इसका, एफिडेविट जो तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया है उसमें जो है वो क्या क्या कंसर्न उनके द्वारा इस INO प्रोजेक्ट को लेकर रखा गया है, ये सभी जो है वो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट के बारे में भी कल कवर अप किया था, न्यूज में क्यों है, लिक्विड नैनो यूरिया के जो सॉरी नैनो यूरिया के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, मैंने आपको ये कल जो था मैं सब कवर अप कराया था। दोनों ही जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के लिए, तो दोनों को जो है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज जो हम न्यूज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर, ठीक है, किसको लेकर पढ़ने वाले हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर ये न्यूज जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहली बात हम देखते हैं कि भाई ये न्यूज में जो है वो क्यों है। तो भाई साइंटिस्ट इन द यूके हैव मैनेज टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो फार फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। भाई जो साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड किंगडम के, वे मैनेज कर पाए हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने को लेकर, किसके थ्रू, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। मतलब साइंटिस्ट के यूके ने प्रोड्यूस की है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में और जान लीजिए। अ टीम एट द जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी नियर ऑक्सफोर्ड इन सेंट्रल इंग्लैंड जनरेटेड 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन फ्यूजन एनर्जी इन अ मशीन कॉल्ड टोकमा। देखिए भाई अगर हम बात करें तो एक टीम है जॉइंट यूरोपियन टोरस की, दैट इज JET, उसने जो है वो जनरेट की है करीबन 59 मेगा जूल्स की फ्यूजन एनर्जी को, कौन सी मशीन के थ्रू, तो टोकमक के थ्रू, ठीक है, ये जो टोकमक मशीन है इसके थ्रू जो है वह करीबन 59 मेगा जूल्स की जो एनर्जी है वो जनरेट की गई है, और यह जो एनर्जी जनरेट की गई है ये टोकमक मशीन से जो है वो जनरेट की गई है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू की गई है, तो वह की गई है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई है, इसलिए ये न्यूज को जो है वो काफी बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो बना देती है। कारण इसका एक ये भी है कि इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आप देखेंगे कि जो करंट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो बेस्ड है किस पर, तो फिजन प्रोसेस पर जो है वो बेस्ड है। तो आप देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई है, इसी वजह से ये न्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में जो है वो क्या अंतर होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी जो है वो करंट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस पर बेस्ड है, तो फिजन प्रोसेस पर बेस्ड है, और ये जो अमाउंट एनर्जी का जनरेट किया गया है यूके के साइंटिस्ट के द्वारा वह न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो है वो बेस्ड है। तो अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो भाई न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, तो न्यूक्लियर फिजन में जो है वो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर या लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो भाई जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है वह किसके थ्रू हो रही है, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू हो रही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे दिख नहीं रहा होगा ना, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है भाई, तो न्यूक्लियर फिजन में
यहाँ पे बता देती हूँ, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का डायग्राम, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वह कॉम्बिनेशन होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई का, फ्यूजन, ठीक है। ये जो डायग्राम बताया जा रहा है ये फ्यूजन का जो है वो डायग्राम बताया जा रहा है जिसमें कॉम्बिनेशन हुआ है दो लाइट न्यूक्लियाई का, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो डायग्राम बताया हुआ है ये किसका बताया गया है, फिजन का जो है वो बताया गया है, ये प्रोसेस जो है वो शो कर रहा है जिसमें स्प्लिटिंग हो रहा है किसका, न्यूक्लियस का, किसमें, दो लाइटर एलिमेंट, ठीक है। तो फिजन का हमेशा याद रखना, फिजन में क्या चलती है भाई, स्प्लिटिंग जो है वो चलती है, और फ्यूजन में क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन जो है वो होता है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू की जाती है। चलिए थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे फिजन लिख लो और ये क्या है भाई, फ्यूजन है। एक्चुअल में रुको एक मिनट, तो अच्छी राइटिंग में लिखती हूँ थोड़ा। ये क्या है भाई, ये जो है ये है फिजन, ये क्या है, तो ये है फ्यूजन, ठीक है। यहां पर भी ये फिजन है, ये क्या है, फ्यूजन है। तो भाई इसमें जो फ्यूल उपयोग में लाया जा रहा है फिजन में वो कौन से हैं भाई, तो वह है यूरेनियम और प्लूटोनियम। वही अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में जो है वह आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जिसमें एटम्स ऑफ ट्राइटियम और ड्यूट्रियम का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस की जा रही है फिजन प्रोसेस में वो ज्यादा है कि फ्यूजन प्रोसेस में ज्यादा है, तो देखिए भाई फिजन की अगर हम बात करें तो लेजर देन दैट इन न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ये क्या है, उससे ये कम है। भाई अगर हम फ्यूजन की बात करें तो सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन फ्यूजन, फिजन, फिजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी जो है वह प्रोड्यूस होती है फ्यूजन प्रोसेस में। अब वेस्ट की बात कर ले रहे हैं कि भाई वेस्ट जो है भाई ये प्रोसेस कितना जनरेट करते हैं, तो भाई वेस्ट जो जनरेट किया जाता है वह हाईली रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स होते हैं। भाई फिजन का जो वेस्ट मिलता है इस प्रोसेस के बाद वो क्या होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन वही अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में प्रोड्यूसेस नो हाई एक्टिविटी लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, द बर्न्ड फ्यूल इन अ फ्यूजन रिएक्टर इज हीलियम एंड इनर्ट गैस। भाई इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जो बर्न्ड फ्यूल फ्यूजन रिएक्टर में इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो है क्या एक्चुअल में, वो है हीलियम जो कि क्या है, एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें फिजन की तो भाई उसमें फ्यूल के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो वेस्ट जनरेट होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा ज्यादा, जो कि काफी लंबे समय तक जो है वह आपका रहेगा। लेकिन वही अगर फ्यूजन में बात करें तो कोई हाई एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, ना ही कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है इसका प्रोड्यूस होता है जो कि काफी लंबे समय तक जो है वो रहे, क्योंकि इसमें जो बर्न फ्यूल होता है फ्यूजन रिएक्टर का वो क्या होता है, वह हीलियम होता है जो कि क्या है, एक इनर्ट गैस है। ऑपरेशनल लाइफ देख लीजिए भाई, फ्यूजन प्रोसेस में एडिशनल न्यूट्रॉन्स रिलीज कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन सस्टेनिंग फिजन रिएक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। भाई इसमें क्या है, जो एडिशनल न्यूट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं चेन रिएक्शन में, दैट सस्टेनिंग फिजन रिएक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। भाई अगर हम बात करें फ्यूजन की तो डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यू टू द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नीडेड। भाई चूंकि फ्यूजन प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये ज्यादा डिफिकल्ट रहता है फ्यूजन में कि हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वह इसकी लाइफ को जो है वो सस्टेन कर पाए, तो ये डिफिकल्ट रहता है फ्यूजन में। वही अगर हम बात करें फिजन की तो भाई ये जो है वो ज्यादा टाइम तक या ज्यादा ड्यूरेशन तक जो है वो सस्टेन कर पाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस जो है वह फिजन और फ्यूजन में जो है वो रहता है। ओके, इतना सभी को समझ आया। हेलो वीर सिंह, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी सिंह।
यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? कुछ आपको अगर फिजन में समझ नहीं आ रहा हो, फ्यूजन में समझ नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चल, तो भाई ये था फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस, तो मैंने आपको बता दिया। एडवांटेजेस देख लीजिए भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये क्यों बात हो रही है, तो भाई न्यूक्लियर फ्यूजन पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर। मच मोर एनर्जी एज मच एज 4 टाइम्स इज रिलीज इन द फ्यूजन प्रोसेस लेस देन फिजन। मैंने आपको बताया कि भाई जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिजन में वो क्या है, अगर हम कंपैरिजन करें फ्यूजन का तो वो क्या है भाई? कम है। लेकिन वही अगर हम फ्यूजन में एनर्जी प्रोड्यूस की बात करें तो भाई जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन प्रोसेस में वह ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज करती है, जो कि 4 टाइम्स है। कौन से प्रोसेस से भाई? फ्यूजन प्रोसेस से। यानी कि ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज हो रही है? तो फ्यूजन में जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। फ्यूजन डजंट एमिट हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इट्स मेजर बाय प्रोडक्ट इट्स हीलियम एंड इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैस। भाई देखिए, अगर हम फ्यूजन की बात करें तो ये जो है वह एमिट नहीं करता कोई हार्मफुल टॉक्सिन, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या अदर ग्रीन गैसेस हो गई एटमोसफियर में। मेन रीजन इसका यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसका जो बर्न फ्यूल इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो क्या है? हीलियम है। और हीलियम क्या है? एक इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैस है। नो रिस्क ऑफ मेल्टडाउन एज इट इज डिफिकल्ट टू रीच एंड मेंटेन द प्रिसाइज कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्यूजन। तो भाई कोई रिस्क जो है वो इसमें नहीं रहता है मेल्टडाउन का। लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन एज फ्यूजन डजंट एम्प्लॉय फेजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। रेडियो एक्टिव ट्राइटियम इज नीदर अ फेजाइल और नॉर अ फिजनेबल मटेरियल। भाई मैंने आपको बताया कि इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह इस्तेमाल किया जा रहा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का, जिसमें एटम्स ऑफ ट्राइटियम और ड्यूट्रियम का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन वही अगर हम फिजन प्रोसेस की बात करें तो वही यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो भाई ये जो है वो क्या है? फिजाइल मटेरियल्स है। वही अगर हम बात करें तो ये जो है वो एनवायरमेंट के लिए क्या रहेंगे, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वह ज्यादा हानिकारक रहेगा, ज्यादा हार्मफुल रहेगा। और जो मटेरियल बचेगा वो काफी लंबे समय तक जो है वो रहेगा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है वो क्या पहुंचाएगा? हानि जो है वो पहुंचाएगा। तो फ्यूजन के प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन है। फ्यूजन फ्यूल्स आर वाइडली अवेलेबल एंड नियरली इनऑक्सिस्टेबल। भाई पहली बात तो ये जो फ्यूजन फ्यूल्स है ये क्या है? वाइडली अवेलेबल है और इनऑक्सिस्टेबल भी है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में भी बताया था कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्यूजन प्रोसेस में वो क्या है? कम है। कंपेरिजन टू विच? कंपेरिजन टू फ्यूजन प्रोसेस। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ड्रॉप द प्लान फॉर अ फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज कॉल्ड ITR, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। भाई साइंटिस्ट जो है वो काफी समय की मेहनत के बाद ऐसा कर पाए हैं कि भाई फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बन पाया है। और इसका नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जा रहा है? ITER। चलिए और देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया टोकमक के थ्रू जो है ऐसा हो पाया है ना, ये जो मशीन टोकमक है इसके थ्रू ऐसा जो है वो किया गया है। आपने देखो यहाँ पर मैंने बताया था फ्यूजन एनर्जी इन अ मशीन कॉल टोकमक। तो भाई इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, टोकमक मशीन के बारे में। टोकामक मशीन क्या है भाई? तो भाई अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा ना डोनट शेप की रहती है। ठीक है, किसके शेप की रहती है? ये डोनट शेप की जो है वो रहती है। डोनट खाया है सभी ने?
हालांकि मैंने खुद नहीं खाया है डोनट, बट हाँ मैंने डोनट देखा है ना, मेरे फ्रेंड्स लोग डालते रहते हैं डोनट की पिक्चर्स, जैसे मॉल में गए डोनट खाया और डोनट की पिक्चर डालेंगे, तो मैंने भी वैसे ही देखा है ना, हालांकि मैंने खुद डोनट ट्राई नहीं किया है, बट आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा अधिकतर लोगों ने, है ना। तो डोनट की शेप की जो है ये टोकमक मशीन रहती है, ठीक है। अब इसी मशीन के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो भाई इनसाइड द टोकमक द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन इज एब्जॉर्ब्ड एज हीट इन द वॉल्स ऑफ द वेसल, व्हिच विल बी यूज्ड बाय अ फ्यूजन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस स्टीम एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बाय वे ऑफ टर्बाइंस एंड जनरेटर। भाई अगर हम बात करें टोकमक के इनसाइड की, तो भाई जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस की गई है, तो फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस की गई है, और जो हीट वहां पर बनी होगी वह एब्जॉर्ब की गई है वॉल्स ऑफ द वेसल, जो वॉल्स है इसकी उसके थ्रू क्या कर लिया गया है भाई, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और इसका आगे इस्तेमाल फ्यूजन पावर प्लांट में किया जाएगा जो कि प्रोड्यूस करेगा स्टीम और बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जाएगी, टर्बाइन्स और जनरेटर के माध्यम से। अगर हम बात करें तो ये जो डिवाइस है ये यूज करती है मैग्नेटिक फील्ड्स को, जो कि कंट्रोल करती है किसको, हॉट प्लाज्मा को, जो कि एनेबल करता है फ्यूजन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो प्लाज्मा है ये आयनाइज स्टेट में, जो कि सिमिलर किसके है, किसी गैस के। अ गैस बिकम्स प्लाज्मा एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, और जो गैस है वो प्लाज्मा कब बनती है भाई, एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब ये जो मशीन डिजाइन की गई है ये स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करती है करीबन 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर। डिमॉन्स्ट्रेट द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर अ फ्यूजन पावर प्लांट सच एज हीटिंग कंट्रोल डायग्नोस्टिक क्रायोजेनिक्स एंड रिमोट मेंटेनेंस। भाई ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी मशीन है जो है वो बनी है, तो एक तरीके से जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट कह रही हूँ, इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इसके मेंटेनेंस पर भी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अचीव अ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम प्लाज्मा इन विच द रिएक्शन इज सस्टेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन थ्रू इंटरनल हीटिंग। भाई जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्लाज्मा है उसमें हमें क्या करना है भाई, एक तरीके से अचीव करना है इसको, जिसमें रिएक्शन जो है वो ज्यादा समय तक, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वह सस्टेन रह पाए, किसके थ्रू, तो इंटरनल हीटिंग के थ्रू। टेस्ट ट्राइटियम ब्रीडिंग, सिंस द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ट्राइटियम इज नॉट सफिशियंट टू कवर द नीड्स ऑफ फ्यूचर फ्लावर प्लांट्स। भाई देखिए अब हमने ये तो कर लिया कि फ्यूजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर ली, पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि ट्राइटियम है, इसकी जो आवश्यकता पड़ेगी है ना, ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, और इसके एडवांटेजेस भी मैंने अभी आपको बताए, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल इसका इस्तेमाल किया जाएगा, फिर एक देश करेगा फिर कई देश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी, प्रॉब्लम ये मेन है कि भाई ये जो ट्राइटियम है ये सफिशियंट जो है वो वर्ल्ड में नहीं है, जो सप्लाई है ट्राइटियम की वो सफिशियंट है ही नहीं वर्ल्ड, तो भाई जब है ही नहीं सफिशियंट तो क्या ये कवर अप कर पाएगा फ्यूचर पावर प्लांट्स की नीड को, तो नहीं कर पाएगा है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि सिंस द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ट्राइटियम इज नॉट सफिशियंट टू कवर द नीड्स ऑफ फ्यूचर पावर प्लांट। अब ऑब्वियस सी बात है फ्यूजन प्रोसेस है इतना बड़ा प्रोसेस, तो चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं चलिए वो देखते हैं। फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑफ अ फ्यू 100 मिलियंस डिग्री सेल्सियस। भाई देखिए अब फ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है, मैंने अभी आपको फ्यूजन प्रोसेस जो है वो समझाया, अब फ्यूजन प्रोसेस पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब
हाई टेम्परेचर जो है वो मिल रहा है, यानी कि फ्यूजन पॉसिबल होगा ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, करीबन फ्यू हंड्रेड मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है इसकी रिक्वायरमेंट है इसमें, तभी ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। और इतने ही हाई टेम्परेचर पर मैटर जो है वो एग्जिट करेगा कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड वेरी फास्ट एंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड वर्क। भाई पहली बात तो टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब जब हम टेम्परेचर इतना ज्यादा जो है वो लेके आएंगे, तो जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो कौन से स्टेट में है, भाई प्लाज्मा स्टेट में है, जो कि टेंडेंसी रखता है कि भाई एक्सपैंड जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और जब वो एक्सपैंड होगा तो भाई इस सिचुएशन को हैंडल करना और इस सिचुएशन के साथ वर्क करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस चीज को भी जो है वो देखकर चलना पड़ेगा कि इसके साथ वर्क जो है वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहला मेन रीजन, मेन चैलेंज क्या आ रहा है, टेम्परेचर लाने का, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। दूसरा, जब ये एक्सपैंड होगा तो भाई उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे भी हैंडल करना पड़ेगा, उसके साथ भी काम करना पड़ेगा। फ्यूजन रिएक्शन आर नॉट इजिली कंट्रोल एंड इट इज एक्सपेंसिव टू क्रिएट द नीडेड कंडीशन फॉर अ फ्यूजन रिएक्शन। भाई देखिए, अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये इजिली कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा टेम्परेचर की इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो हो रही है ना, तो ये इजिली कंट्रोल्ड पहली बार नहीं रहते हैं, पहली बात नहीं रहते हैं। दूसरी बात कि एक्सपेंसिव भी होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है फ्यूजन रिएक्शन की वो सारी क्या है भाई, उनको क्रिएट करने में काफी पैसा जो है वो लगेगा, तो एक्सपेंसिव है। फ्यूजन रिएक्शन और नॉट इजिली कंट्रोल्ड एंड इट इज एक्सपेंसिव टू क्रिएट द नीडेड कंडीशन फॉर अ फ्यूजन रिएक्शन। अब भाई ITER के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये ITER जो है वो क्या है। याद है ना भाई ITER के बारे में मैंने आपको कहाँ बताया था, अभी बताया था, ये रहा। साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ड्रॉ अप द प्लान फॉर अ फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाम क्या है उसका, ITER, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, कब लॉन्च किया गया था, तो 1985 में। ITER एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है, जो कि फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है, जो कि करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पे, कैडरेक साउथ ऑफ फ्रांस में। भाई देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लॉन्च तो इसको कर दिया गया है कब, 1985 में, परंतु अभी भी ये क्या है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ पर, तो कैडरेक साउथ ऑफ फ्रांस में। अब ये जो रिएक्टर है इसका मेन एम है क्या, तो इट एम्स टू प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकमक थ्रू एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। भाई मेन एम तो यही है कि भाई फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस प्रोसेस को जो है वो लिया जाए, ठीक है, और बिल्ड किया जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकमक। ये टोकमक क्या है भाई, मशीन है, मैंने अभी आपको बताया था, किसके थ्रू, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, एक देश के लिए काफी मुश्किल रहता है ना, तो और देशों की सहायता से ऐसा जो है वो एम को अचीव किया जा सके, ये जो है वो मेन इसका एक तरीके से अगर हम बात करें तो लक्ष्य है। ITER मेंबर्स सिग्नेटरीज टू द ITER एग्रीमेंट इंक्लूड चाइना, द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड US। भाई अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इंडिया भी है, ठीक है। तो ITER मेंबर्स में क्या है भाई, तो सिग्नेटरीज टू द ITER एग्रीमेंट इंक्लूड चाइना, द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है? तो इसको अच्छे से जो है वो कवर अप आप करिएगा, मतलब करिए, हालांकि मैं तो आपको करवा ही रही हूँ डिटेल में। आप देखिए जो भी इस न्यूज से रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने आपको कवर अप करवा दी है ना, सारे जो जो वर्ड्स आए हैं सब मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो टोकमक मशीन हो, ये रिएक्टर हो, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्यूजन प्रोसेस हो, मैंने आपको ये भी बताया फिजन और फ्यूजन में जो है वो क्या डिफरेंस रहता है, ताकि आपको इस न्यूज को समझने में जो है वो आसानी हो, है ना? तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, हालांकि मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट अगर आप चाहो तो माइंड मैप के थ्रू इसके नोट्स जो है वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए। तो भाई इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जान लेते हैं। इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ क्रायोस्टैट इन वॉल शील्डिंग कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम। भाई इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये रेस्पॉन्सिबल होगा डिलीवरी करने के लिए क्रायोस्टैट की, वॉल शील्डिंग कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम, पावर सप्लाईज एंड सम डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक। आईटीआर इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज द इंडियन डोमेस्टिक एनर्जी। भाई अगर हम आईटीआर इंडिया की बात करें तो ये किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, जो कि इंडिया इंडियन डोमेस्टिक एजेंसी है। भाई अब आप कुछ और चैलेंजेस जो हैं वो देख लीजिए। किसको लेकर चैलेंजेस, तो भाई ये यूरेनियम को लेकर चैलेंजेस है, जिसका उपयोग मैंने आपको बताया कौन से प्रोसेस के लिए किया जा रहा है, फिजन के लिए। और मैंने आपको यह भी बताया कि भाई अभी जो करंट में रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई वह इस्तेमाल कर रहे हैं फिजन प्रोसेस का। तो भाई एक तरीके से ये भी चैलेंज बना हुआ है, देखते हैं कैसा। तो यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू माइनिंग, भाई माइनिंग की वजह से क्या होगा, यूरेनियम कंटेमिनेशन जो है वो होगा ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर में क्या भाई यूरेनियम पहुंच जाएगा, और जब आसपास के क्षेत्रों में ये पहुंच गया तो अगर वहां पर बस्तियां बसी हुई हैं तो क्या होगा भाई, आम लोगों के घर तक भी पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कभी कभी जब वहां जब इस प्रकार के पावर प्लांट्स जो है वो बनाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लोग काम करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, जब काम करेंगे वहां पर जो लोग हैं इंजीनियर्स और विभिन्न जो एम्प्लॉय हैं वो लोग, तो भाई उनके रहने की भी तो व्यवस्था करनी पड़ती है, तो क्या करना पड़ता है भाई, बिल्कुल पास में नहीं पर कुछ दूरी पर घर भी तो जो है वो बनाने पड़ते हैं, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, तो यूरेनियम कंटामिनेशन का जो है ग्राउंड वाटर में पहुंचने का जो है वो डर रहेगा, तो यूरेनियम कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू माइनिंग। प्योरिटी ऑफ यूरेनियम इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड अकरेंसेस, यूरेनियम डिपॉजिट स्टेब्लिश इन इंडिया आर मोस्टली ऑफ लो ग्रेड। भाई देखिए अब यूरेनियम की प्योरिटी को भी लेकर जो है वो दिक्कत है, कैसे? तो अगर हम बात करें तो जो यूरेनियम वर्ल्ड में पाया जा रहा है और जो यूरेनियम डिपॉजिट है इंडिया में वो क्या है भाई, लो ग्रेड, ठीक है? वर्ल्ड के कंपैरिजन में जो इंडिया का यूरेनियम डिपॉजिट है वो क्या है भाई, लो ग्रेड। एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट, भाई आप देखेंगे फॉलोइंग द 2011 फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान, पॉपुलेशन अराउंड प्रपोज्ड इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स हैव लॉन्च प्रोटेस्ट। भाई देखिए जब से ये जो डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा का 2011 जापान, तब से जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट, कि जब भी इस प्रकार की जो पावर प्लांट्स बनाने का होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, या जो पावर प्लांट्स बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं वो किए जाते हैं।
अब ये जो प्रोटेस्ट है आप देखेंगे कि विभिन्न एक्टिविस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं, या जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन लोगों द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं, आम जनता द्वारा भी जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो वहां पर रह रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में। सेंसिंग विद द फॉरेन प्लेयर्स, एंगेजिंग विद फॉरेन सप्लायर्स मीन्स डीलिंग विद प्रॉब्लम कैपेसिटी क्विड बुकिंग अनसर्टेनिटी। भाई एक देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा चैलेंज है हम इन लोगों के सामने, तो भाई फॉरेन प्लेयर्स के साथ से भी सेंसिंग जो है वो करनी पड़ेगी। सेंसिंग का मतलब होता है समन्वय, है ना, तो फॉरेन प्लेयर्स को भी जो है वो साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, उनको एंगेज करने में जो फॉरेन सप्लायर है उनको एंगेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनके साथ डील करनी पड़ेगी। कभी कभी आप देखेंगे कि बुकिंग्स जो है वो क्यूड होंगी, अनिश्चितता भी जो है वो उत्पन्न होगी, असर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, और भी अदर इश्यूज हैं जैसे कि फैक्टर्स सच एज प्रॉब्लम ऑन लैंड एक्विजिशन। भाई आपने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, लेकिन जब आप प्लांट बनाओगे तो भाई एक प्लांट तो लैंड पर बनेगा ना, तो उसके लिए भी आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, कई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना पड़ेगा, अनुमति जो है वो आपको लेनी पड़ेगी पहले। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जैसे कि आपका लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन। भाई ऑब्वियसली बात है, अब आप इतना बड़ा लैंड लेंगे तो वहां पर लोग भी पहले रह रहे होंगे, तो भाई उनको अभी क्या करना पड़ेगा, रिसेटलमेंट जो है वो करना पड़ेगा। कभी कभी आप देखेंगे कि जो लैंड लिए जाते हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया या टाइगर सेंचुरी लोकेशंस पे होते हैं, तो भाई उसमें तो और क्या होगी, भाई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर विरोध जो है वो ज्यादा एक तरीके से उग्र रूप में जो है वो होगा, है ना, जो आसपास के लोग हैं वो ही क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जो एक्टिविस्ट कार्य कर रहे हैं, विभिन्न एनजीओ जो है वो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, एक्टिविस्ट कहना चाहिए, विभिन्न एक्टिविस्ट जो है वो कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर देंगे भाई, इसका विरोध कर देंगे। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, बिल्कुल भाई, पब्लिक कॉन्सेंसस होगी, पब्लिक भी विरोध कर देगी। तो ये सारे चैलेंजेस को सबसे पहले तो क्या करना है भाई, इन चैलेंजेस के साथ डील करना है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो सामने है। हमने चैलेंजेस तो देख ली, बट एक पक्ष हम यह भी देखते हैं कि भाई न्यूक्लियर डेवलपमेंट की इंडिया को नीड आखिरकार क्यों है। तो नीड फॉर न्यूक्लियर डेवलपमेंट इन इंडिया, पहला देखो एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी बाय प्रोवाइड अ लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो भाई सबसे पहली बात तो है एनर्जी सिक्योरिटी की। अब ये जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड कर रही है क्या, लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी जनरेशन को, जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। लेस इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, भाई इसका क्लाइमेट पर जो इम्पैक्ट रहता है वो क्या होता है भाई, बहुत ही कम जो है वो रहता है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एंड देयरफॉर कैन इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। भाई पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, लेस इम्पैक्ट डालेगा क्लाइमेट पे, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि और दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं वह करते हैं, जैसे कि आपके कोल पावर प्लांट्स हो गए। तो भाई जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्लाइमेट पे भी जो है वो लेस इम्पैक्ट डालेगा। विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, रिप्लेसिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। भाई ये रिप्लेस किसको कर रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कौन से होते हैं भाई, चलो आप ही लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं, कोई आंसर देना चाहेगा इसके बारे में, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो क्या होते हैं। गुड इवनिंग यशु, कोई भी आंसर दे दो।
कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। किसी को भी इसका आइडिया नहीं है तो नो ही लिख दो, अगर आइडिया नहीं है तो। क्यों भाई? और अगर आइडिया है तो आंसर दे दो। नहीं बेटा, यही तो गड़बड़ कर दी, उल्टा रहता है। एकता ने दिया है आंसर बट गलत दिया है। बेटा देखो, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये क्या है भाई? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ना, कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट नॉन रिन्यूड, ठीक है। नॉन रिन्यूड का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि एक बार खत्म होने के बाद आप उन्हें वापस जो है वो नहीं बना सकते, समझ रहे हो? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन से होते हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, है ना? लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो कि नॉन रिन्यूड होते हैं, यानी कि आप उन्हें फिर से रिन्यू जो है वो नहीं कर सकते एक बार खत्म होने के बाद। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का? तो कोल है। अभी दिक्कत आ गई थी ना, कोल की कमी हो गई थी तो। क्यों भाई? अभी दिक्कत आ गई थी, कोल की कमी हो गई थी तो। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, है ना? तो भाई क्या होते हैं ये? कन्वेंशनल यानी कि होता है जो कि नॉन रिन्यूड होते हैं नेचर में, नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। यस, जैसे कि आपका कोल हो गया, ये क्या है भाई? एक बार खत्म होने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। तो रिप्लेसिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, इंक्रीज शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द इंडियन एनर्जी मिक्स विद हेल्प डिमिनिश द रिलायंस ऑन कन्वेंशनल कोल बेस्ड एनर्जी प्लांट्स। भाई ये क्या कर रहा है? तो भाई इंक्रीज करेगा शेयर न्यूक्लियर पावर का इंडिया, इंडियन एनर्जी मिक्स में, मतलब इंडिया की एनर्जी में। साथ ही साथ क्या करेगा? विल हेल्प टू डिमिनिश द रिलायंस ऑफ कन्वेंशनल कोल बेस्ड एनर्जी प्लांट्स। तो इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन प्रोवाइड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अनलाइक सोलर एंड विंड पावर सोर्सेज, न्यूक्लियर प्लांट्स कैन ऑपरेट व्हेन देयर इज नो सन एंड विंड। भाई देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई आपका ये जो सोलर और विंड है, जो ये सोलर और विंड पावर सोर्सेज है, एक टाइम पर ही जो है वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सोलर पावर प्लांट है, तो उसके लिए किसका मेन सोर्स है भाई? सन जो है वो मेन सोर्स है कि नहीं है? वही अगर हम विंड की बात करें तो भाई विंड पावर प्लांट्स में क्या होगा? आपका विंड जो है वो मेन सोर्स है। अगर हवा एक पर्टिकुलर उसमें फ्लो जो है वो नहीं होगी तो क्या जनरेट हो पाएगी एनर्जी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हवा जो है वो क्या है आपकी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल हल्की से भी, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है तो आपको धूप मिल रही है क्या? यानी कि ये जो सन से हमें जो मेन पावर सोर्स है, सोलर पावर सोर्स, वो आपको मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। बारिश का मौसम आपका हो गया ऐसे मौसम में, तो भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट करने में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही सन की आवश्यकता है और ना ही विंड की। न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉरेन पॉलिसी नेक्सस, न्यूक्लियर एनर्जी प्लेज अ सब्सटेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइलेटरल रिलेशन अमंग नेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है और फॉरेन पॉलिसी नेक्सस है, ये क्या करेगी भाई? एक तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सब्सटेंशियल रोल प्ले करेगी
किसके भाई? बायलेटरल रिलेशन बनाने के लिए विभिन्न नेशंस के साथ, है ना? तो इसी वजह से नीड है किसकी? न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स की इंडिया में। तो ये जरूरी है इंडिया के लिए कि वह न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो है वो भारत में देखी जाए। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको अब कोई डाउट है? क्यों भाई, आप किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा, ये जो रहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये नॉन रिन्यूड रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, कोल। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग टू यू गेमर। कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो यहां पर हमारा ये न्यूज जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है? तो कल का थोड़ा सा टाइमिंग सुन लो, कल थोड़ा सा टाइम में चेंज है, थोड़ा सा कल मुझे काम है। तो कल जो अपनी क्लास होगी ना, वह 2:30 बजे होगी, 2:30 PM पर, ठीक है? 2:30 PM पर कल की क्लास होगी अब। गुड इवनिंग मनीष, ठीक है? तो कल 2:30 बजे हम क्लास लेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, ये मेरा कोड है JGIAS10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक है, वहां जाकर फॉलो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस जो है वो चलती हैं, आप उन्हें भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस क्लासेस और फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पर चलती हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यही था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय-बाय, टाटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब आगे बढ़ते रहो और जीवन में खूब तरक्की करो, ठीक है? चलो, बाय बाय, थैंक यू।